पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। बिल आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उनके साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। ममता सरकार ने एंटी रेप बिल को अपराजिता महिला और बाल विधेयक यानी कि पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन बिल 2024 नाम दिया है। राज्य सरकार ने बिल पारित करने के लिए 2 सितंबर से 2 दिन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। कानून मंत्री मलय घटक ने इसे विधानसभा में पेश किया। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 और 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर हुआ था। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए 2 बार चिट्ठी लिखी थी। हालांकि आज बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। अब राज्यपाल के साइन होने के बाद से ही ये कानून बन जाएगा।